गुड मॉर्निंग ऑल द स्टूडेंट्स, हाउ आर यू बेटा? आर यू फाइन? वेरी गुड. आई एम ऑल्सो फाइन. ओपन योर्स एनवायरमेंट नोटबुक, यूनिट नंबर 32. आपकी जो स्माइली वाली बुक है ना बच्चों, अब तो आपको पता चल जाता होगा ना कि स्माइली वाली बुक यानी एनवायरमेंट की बुक. तो उसमें है वाटर एनिमल्स. वाटर एनिमल्स के बारे में पढ़ा था हमें, पता है ना, डॉल्फिन थी, उसके बाद क्या था, टर्टल था, हिप्पोपोटम्स था, है ना. तो ये सब क्या है? वेरी गुड, वाटर एनिमल्स. तो यहाँ मैंने लिखा है, आप यहाँ लिखो वाटर एनिमल्स, उसके बाद न्यू वर्ड्स एंड उसके बाद लिखना है DUCK डक, FROG फ्रॉग, DOLPHIN डॉल्फिन, TURTLE टर्टल, BLUEWHALE ब्लू वेल, HIPPOTAMUS हिप्पोपोटम्स. तो स्टूडेंट्स, आपको ये 6 वाटर एनिमल्स के नेम मैंने रेडी करने के दिए थे, आपको याद है कि नहीं है? वेरी गुड. अगर आपको याद हो तो आप ये आपके आपकी तरह से आप बिना वीडियो देखे बिना आप ये लिखना होगा, अंडरस्टैंड. अगर नहीं आते हैं तो फिर से आप रेडी करोगे और ये लिख भी लोगे. ओके. उसके बाद क्वेश्चन नंबर बी, राइट अ ट्रू और फॉल्स. आपको क्या करना है? ट्रू एंड फॉल्स लिखने का है. फर्स्ट है डक्स लीव ऑन ट्रीज. डक्स लीव ऑन ट्रीज. डक्स तो आपको पता है कि डक्स होते हैं वो कहाँ पे रहते हैं? ट्रीज पे रहते हैं कि पानी में रहते हैं? वेरी गुड, पानी में रहते हैं. तो क्या आएगा? फॉल्स. उसके बाद द फ्रॉग लिव्स इन लैंड एंड वाटर. क्या है? द फ्रॉग लिव्स इन लैंड एंड वाटर. फ्रॉग है वो पानी में भी रहते हैं एंड जमीन में भी रहते हैं. तो ट्रू है या फॉल्स? गिव मी आंसर प्लीज. वेरी गुड, ट्रू. तो स्टूडेंट्स, ये कंप्लीट हो गया आपका, अच्छे से देख लो. उसके बाद में दूसरे पेज पे चलते हैं हम. ओके स्टूडेंट्स, अब हम देखते हैं नेक्स्ट पेज पे. द टर्टल्स लिव्स इन अ केव. केव यानी गुफा. जो सिंह लायन होता है ना वो किस में रहता है? केव में रहता है. तो यहाँ टर्टल्स लिव इन केव. कांच पे होते हैं वो कहाँ पे रहते हैं स्टूडेंट्स? केव में यानी गुफा में रहते हैं. नो, इट इज अ रोंग. वो कहाँ रहते हैं? पानी और जमीन पे रहते हैं. अंडरस्टैंड? तो इसमें रोंग आएगा. द फिश लिव इन द वॉटर. द फिश लिव इन द वॉटर. मछलियाँ कहाँ रहती हैं? पानी में. वेरी गुड. तो क्या आएगा? ट्रू. द डॉल्फिन लिव्स इन ऑन द लैंड. डॉल्फिन है, आपको पता है डॉल्फिन क्या है? वेरी गुड. वो कहाँ पे रहती है? पानी में. तो यहाँ तो जमीन लिखा हुआ है तो क्या आएगा? इट इज़ अ रॉन्ग. लैंड यानी जमीन होती है. तो ये 5 आपके ट्रू फॉल्स थे, अंडरस्टैंड. उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 3. सी है ड्रॉ अ पिक्चर ऑफ अ डॉल्फिन. आपको डॉल्फिन का एक छोटा सा यहाँ पे पिक्चर ड्रॉ करने का है, अंडरस्टैंड. अगर आपको नहीं आता है तो आपके आपके पेरेंट्स को बोलो कि वो आपको कर दे. ओके स्टूडेंट्स, अब हम नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे. बाय एंड टेक केयर बेटा.